खबर रायबरेली से है, जहां शहर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दरीबा तिराहा के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बाइक पर बैठे दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, तो वहीं घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। विराट 24 न्यूज के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। ये जो है लालगंज की तरफ से आ रहे थे और सामने से एक लोडर पिकअप होता है, लोडर आ रहा था सामने से, ये अनियंत्रित थे, तेज थे, ये तीन लोग सवारी कर रहे थे, अचानक अपने कंट्रोल नहीं कर पाए, आपस में दो उसमें लोडर में ठोक दिए। नहीं तो प्रशासन मौके पर आ गया था। हाँ, प्रशासन आया है और एम्बुलेंस आई है और हम लोगों की मदद से सब उनको एम्बुलेंस में लादा गया और सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। एक लोग की हालत ज़्यादा गंभीर है, उनके सर पे चोट लगी है और उनको शायद रेफर कर दिया जाएगा लखनऊ। दो लोग थे बाइक पे या तीन लोग? तीन लोग थे बाइक पे, हेलमेट लगाए हुए थे लेकिन तभी जो है वो अपने आप को बचा नहीं पाए। और पिकअप अभी पकड़ी नहीं गई? नहीं, पिकअप भाग गई है, पिकअप जो है लालगंज की तरफ निकल गई है और पहले कोई यहाँ था नहीं, उसको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, हमारे साथ है प्रधान सलारपुर, जिन्होंने हमें पूरी घटना की जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। मेड़ौली के हैं, जो ज़्यादा चोट खाए हैं वो मेड़ौली के रहने वाले हैं। मेड़ौली? हाँ, संदेश हमने सबको पहुँचवा दिया है। जो एक कम चोटी था जो होशो आवास में है, वो जो है वो उन्नाव के रहने वाला है,